चलिए रुक करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर की ओर, जहां पर किसान और सरकार की बातचीत के 24 घंटे अब बाकी हैं। इंतजार यही किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से अब इस प्रस्ताव का क्या जवाब दिया जाएगा, जिस प्रस्ताव में ये कहा है किसानों ने कि वो 29 दिसंबर को बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया है। कल होने वाली बातचीत पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। किसानों ने 29 दिसंबर की तारीख को बातचीत का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, क्योंकि लगातार जो बातचीत हो रही थी वो बेनतीजा निकल रही थी। अब सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, इस पर सभी की निगाह। कुंदन सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। कुंदन, सरकार की तरफ से अभी तक जवाब नहीं दिया गया है, क्या सस्पेंस इस पर अब भी बरकरार है और कब तक ये सस्पेंस खत्म हो सकता है, क्योंकि जितनी जल्दी ये वार्ता होगी उतनी जल्दी कोई समाधान निकल सकता है? बिल्कुल, शनिवार को देर शाम तक किसानों की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया था और प्रस्ताव में कहा गया था कि हम बातचीत करने को तैयार हैं और एजेंडे के तहत बातचीत होनी चाहिए और उस एजेंडे में रद्द करने वाला जो ड्राफ्ट है वो शामिल होना चाहिए। हालांकि शनिवार रविवार होने की वजह से उम्मीद की जा रही है, हमारे सोर्सेज बता रहे कि आज सरकार की तरफ से प्रस्ताव आएगा और मुझे लग रहा है कि कल संभवतः 29 की बैठक होगी। हाँ, ये जरूर है कि जिस एजेंडे के तहत किसान चाहते हैं बैठक करना वो शायद संभव ना हो, या फिर हो सकता है कि बैठक में सरकार कहे कि बैठक में दोनों मिलकर एजेंडे को तय कर लेंगे। लेकिन कुल मिला के 21 दिन से जो 8 तारीख को दिसंबर को बैठक हुई थी, उसके 21 दिन बाद डेडलॉक टूटेगा, बातचीत का डेडलॉक टूटेगा और उम्मीद करना चाहिए कि बातचीत फिर आगे बढ़ेगी और कुछ सॉल्यूशन की तरफ दोनों पक्ष निकलेंगे। लेकिन अभी तक सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि आज उम्मीद है कि दोपहर तक या दोपहर शाम तक आज फॉर्मल इनविटेशन आ जाए और जो सूत्र बता रहे हैं कि एक बार फिर विज्ञान भवन में सरकार के तरफ से लोग बैठेंगे और किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। लेकिन इस बार एक थोड़ा सा बदलाव मैं आपको बता दूं कि बहुत हद तक संभव है कि 40 जो अलग अलग यूनियन के नेता जाते हैं वो न जाके उनके तरफ से 5 लोग नॉमिनेट किए जाए और वो 5 लोग यूनियन के बिहाफ पे सरकार से बात करे। वही सरकार के तरफ से भी कुछ बड़े नाम आने की घोषणा होने की उम्मीद है, जैसे अभी तक जो बैठक होती थी। बिल्कुल, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले को सुलझा लिया जाए, इसलिए अब लगातार जो बातचीत का दौर है उसे तेज करने की कोशिश। सरकार क्या जवाब देती, कब तक प्रस्ताव भेजती, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। कुंदन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।